की शुरुआत होती है शहर के बीचों बीच एक एरिया को दिखाने से, जहाँ पर एक केमिकल और हथियारों की फैक्ट्री में साइंटिस्ट काम कर रहे थे। जिसके बाद एक गोरिल्ला दिखाया गया जो बड़ी तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो रास्ते में आने वाले काफी बड़े से पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है, जिसके जोर से फैक्ट्री की भी हर चीज हिल गई। साइंटिस्ट भी काफी डर जाते हैं, जल्दी से बाहर आ गई। तब तक एब भी वहाँ पहुँच गया था, जो बहुत ज्यादा गुस्से में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, धाड़ने लगा। तब तक यहाँ आर्मी भी आ गई। ये लोग अपनी गन्स और मशीन गन से उस पर हमला करते हैं, पर इतने मजबूत हथियारों के हमले से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि तभी उसका असली रूप सामने आया। वो कोई आम एप नहीं बल्कि मैकेनिकल एप था, यानी कि मेका एप, मशीन का बना हुआ। और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन्हें हैवी मशीनरी और काफी मजबूत सिस्टम से बनाया होता है। उसके जिस्म पर जगह जगह हथियार भी लगे हुए थे, जिनसे वो फैक्ट्री के वर्कर्स और सिपाहियों पर शूट कर करके उन्हें मार गिराता है। जिसके बाद अमेरिका की एक जगह पर जंगल दिखाया गया, जहाँ एक लड़का ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन तभी कोई उसकी ड्रोन को हाथ मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें नासा के रिसर्च सेंटर को दिखाया गया, जहाँ पर यूएस के मैकेनिकल सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाता था, और ये लोग उस जंगल को भी कंट्रोल कर रही थी जहाँ उस लड़के का ड्रोन गिरा था। अंदर बैठे दो साइंटिस्ट को पता चला कि कोई हमारे जंगल वाले एरिया में घुस आया है, शायद वो एप की वीडियो बनाने आया, क्योंकि वो लड़का जिस जगह पर था वो एप की लोकेशन थी, एप ने उसका ड्रोन गिराया था। इसलिए फीमेल साइंटिस्ट जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है कि जो भी वहाँ है उसे फौरन पकड़ लिया जाए, जबकि मेल साइंटिस्ट कहते हैं कि एप की दिल की धड़कन काफी बढ़ गई है, वो गुस्से में है, उसे कंट्रोल करने के लिए स्लोन को बुलाना होगा, और अगर एप को नॉर्मल करने के लिए स्लोन की आदत पड़ गई तो काफी मुश्किल होगी। स्लोन असल में इनकी सीनियर साइंटिस्ट थी, जो एप की दोस्त भी थी, उसके साथ खेला करती थी। जिसके बाद हमें स्लोन दिखाई दी, जो भी इस जगह पर पहुंच जाती है। उसकी साइंटिस्ट दोस्त उसे सारी बात बता देती है कि एप की हालत बहुत खराब है, वो शदीद गुस्से में है, इसीलिए उसने ड्रोन भी फेंक गिराया। मेल साइंटिस्ट उसे बताता है कि हमने ड्रोन उड़ाने वाले लड़के को भी पकड़ लिया है। इसीलिए स्लोन और उसके साइंटिस्ट दोस्त लड़के से पूछताछ करने जाती है, जो पेशे से प्रोफेसर था। दोनों उसे पूछती है कि तुम हमारे एरिया में क्यों आए थे। वो कहता है मैं तो नहीं आया, मैं तो बाढ़ की दूसरी साइड पर था। स्लोन कहती है पर ये ड्रोन तो तुम्हारा था ना, हमारे एरिया में आया है, इस बात को तुमने माना भी है। वो कहता है कि हाँ मेरा ही है, पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। स्लोन पूछती है अच्छा ये बताओ तुम्हें एप की वीडियो बनाने के लिए यहाँ किसने भेजा था। इस पर वो ये बात टालकर नासा के कामों को बुरा भला कहने लगता है, और क्योंकि ये लोग नासा के लिए ही काम कर रही थी, इसलिए वो इनको बातें सुनाने लगा कि नासा के काम देखो, एप को पहले स्पेस आसमान में स्टडी के लिए भेज दिया, और अब जब वो म्यूटेट होकर पूरी तरह बदल कर वापिस आया है तो तुम लोग उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। इस पर स्लोन को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि एप की सेहत की और सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो, जो कहकर वो उसे यहाँ से भेज देती है। उसकी साथी साइंटिस्ट स्लोन को बताती है कि एप को जल्द से जल्द यहाँ से दूसरी जगह भेजने का कहा गया है। स्लोन कहती है कि मैं एप को किसी बंद जगह पर नहीं रख सकती, क्योंकि ये चीज उसके लिए ठीक नहीं होगी। ये कहकर स्लोन अब्राहम एप के पास जाती है। उसके पास पर्पल रोशनी भी थी, जिसकी मदद से वो एप को कंट्रोल भी कर सकती थी। एप का साइज काफी बड़ा था। स्लोन उसे खेलने का कहती है, पर इस वक्त वो गुस्से में था, उसका खेलने का मूड नहीं था। तब स्लोन उसे समझाती है कि तुम्हें नॉर्मल रहना होगा, तब तक जब तक तुम्हारे खून में एलियन के डीएनए को टेस्ट किया जा रहा है। ये बोलकर वो यहाँ से चली गई। अब हम एक कपल को देखते हैं, जो उसी जगह पर आए थे जहाँ मेका एप ने हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था, बहुत सारे लोगों को मारा भी था, इसलिए वहाँ खून पड़ा हुआ था। औरत एक जगह पर हाथ लगाकर कहती है कि हमारे मरे हुए बेटे का सिर्फ यही खून बचा है, क्योंकि इन्हें वहाँ से अपने बेटे की अंगूठी मिली थी। वो कहती है कि मेरा बेटा हमारे मुल्क की होने वाली शान था। यह बच्चे के डैड भी थे, जिसका नाम आर्नोट था, जो दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर था। ये जिस मुल्क से थी वो यूएस का दुश्मन था। आर्नोट की वाइफ उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम इस बारे में जल्द से जल्द पता लगवाओ। स्लोन और उसके साथ ही यूएस के बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। वो यहाँ मेका एप के बारे में बात कर रही थी कि वो हमारी आर्मी का ताकतवर हथियार है। ऑफिसर पूछती है कि इस वक्त वो कहाँ है। जब स्लोन ने बताया कि उसका फिलहाल चेकअप किया जा रहा है, जिसके बाद हम उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद वो लोग अब्राहम एप की बात करने लगते हैं। स्लोन कहती है कि मैं उसे अभी अपने पास ही रखना चाहती हूँ, मैंने उसे जरा चेक करना है। जिस पर ऑफिसर कहती है कि नहीं, हमें उसे यहाँ से भेजना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग उसे मजीद इधर नहीं देखना चाहते, उन्होंने अब्राहम के खिलाफ रिपोर्ट भी की है। स्लोन कहती है कि अगली मीटिंग में हम उन लोगों को मना लेंगे, पर ऑफिसर नहीं मानती और जल्द से जल्द अब्राहम को दूसरे शहर में शिफ्ट करने का कहती है। अब स्लोन जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो अब्राहम के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो कहती है कि इतनी जल्दी ये फैसला हमें नहीं लेना चाहिए। जनरल कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अब्राहम के हमले की वजह से काफी गुस्से में थी। वो कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब्राहम और किसी बड़े शहर को अपना निशाना नहीं बनाएगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे कस्टडी में भेजना जरूरी है। पर स्लोन अभी भी उसकी बात नहीं मानती। अब दोनों ऑफिसर जाकर इस बारे में प्रेसिडेंट से बात करती है। उनका ये
भी कहना था कि अब्राहम को कस्टडी में भेज दो, वो ही उसके लिए महफूज जगह है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि काफी सालों के बाद हमने उसे समंदर के नीचे से निकाला था, तो वो बिल्कुल महफूज रहेगा। अब दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर हमें दिखाया गया, इनकी आर्नोट उसकी वाइफ भी थी। इन्हें अपने साथियों से खबर मिलती है कि एक लोकेशन पर न्यूक्लियर हथियार का पता चला है जो मार्क 9 है, एक बहुत ही ताकतवर हथियार है, वो US के कंट्रोल में था और ये लोग उसे हासिल करना चाहते थे। इन्हें पता चला कि कुछ देर पहले ही US ने वो इंडियाना में शिफ्ट किया है, इसीलिए आर्नोट अपनी हैकर साथी को जल्दी से जानकारी निकालने का कहता है। मेका एक को प्लेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा था पर वो प्लेन को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। स्लोन को फौरन खबर कर दी गई कि वो प्लेन तबाह होकर गिर गया है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि चेक करने पर इन्हें प्लेन का मलबा तो मिल गया लेकिन ये मेका एप को तलाश ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब स्लोन और उसके साथी यहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद मेल साइंटिस्ट के पास वो ड्रोन वाला प्रोफेसर आता है जो खुद को उनके साथ शामिल होने का कहता है क्योंकि वो इन लोगों की मदद करना चाह रहा था। कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, आप लोग कई सालों से पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस जहानत को ढूंढ रहे हो जो मुझे अब्राहम के अंदर मिल गई है। देखो मेरा ड्रोन देखकर अब्राहम उसे नजरअंदाज भी कर सकता था, उसने छोटे से ड्रोन को अपने लिए खतरा समझकर उसे गिराकर तोड़ दिया। अचानक उसके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, गुस्से में आना, ये सब अलग चीज थी। वो कहता है कि अब्राहम ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी और अब अगर वो फिर से कंट्रोल से बाहर हुआ तो एक बार फिर हर चीज को बर्बाद कर देगा, इसलिए हमें इस पर कुछ करना होगा। उधर आर्नोट कैसे भी करके वो हथियार हासिल करना चाहता था जो एक डिवाइस जैसा था, इनकी मार्क 9। ये लोग प्लान बना रही थी। एक साथी कहती है कि जिस लैब में मार्क 9 है वो पहले फ्लोर पर है, वहाँ से हम मार्क 9 को ले लेंगे, पर एक मसला है, सिक्योरिटी वहाँ बहुत सकते हैं। जिस पर दूसरी साथी बताती है कि हम सिक्योरिटी को किस तरह चकमा देकर अंदर जाएंगे। स्लोन और उसके साथी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो प्लेन तबाह हुआ था, यहाँ पर आर्मी ऑफिसर भी आ चुके थे। आर्नोट अपनी वाइफ समेत सबके 3 ग्रुप्स बना देता है और ये लोग अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगती है लैब में जाने के लिए। स्लोन उसके साथी और आर्मी ऑफिसर को पता चलता है कि कोई चीज रेत से बाहर आ रही है जो और कोई नहीं बल्कि मेका एप था। वो उठ खड़ा होता है क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को एक्टिवेट कर लिया था, चला लिया था, इसलिए सब लोग अपने अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। आर्नोट और उसके साथी सिक्योरिटी को चकमा देकर लैब में आखिरकार घुसी गए थे, उनके पास हथियार भी थे। मेका एप कंट्रोल से बाहर हो गया था, हर तरफ तबाही मचाता हुआ वो शहर में घुस गया था। कुछ ही देर में उसने शहर का बुरा हाल कर दिया था, वो सिर्फ एक मुक्के से पूरे घर को तहस नहस कर रहा था जिससे कई लोग भी जख्मी हो गए थे, हर तरफ आग भी लग चुकी थी। बचे हुए लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस बारे में जब प्रेसिडेंट को पता चला तो वो अपने ऑफिसर पर काफी गुस्सा करने लगता है, पूछता है कि ये हथियार मेका वेपन अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया है, किस तरह ये बिगड़ गया, तुमने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए अब वो हुक्म देता है कि इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। गाड़ी के स्लोन और उसके साथी भी उस जगह पहुंच जाती है जहां मेका एप था। स्लोन गाड़ी से उतरकर उस तरफ भागी जहां वो जा रहा था। वो काफी ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर मेका एप के ऊपर कूद पड़ती है। अभी भी वो क्योंकि इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसलिए वो उसके अंदर घुस जाती है ताकि इसके सिस्टम को रोक सके। यहां उसे पता चला कि मेका एप का सिस्टम तो किसी ने हैक करके अपने कंट्रोल में कर लिया है, जब भी वो इस तरह कंट्रोल से बाहर हो गया है। इस बारे में वो फौरन अपनी साथी को बताती है, ये भी कहने लगी कि जिसने मेका एप को हैक किया उसने इसके कोऑर्डिनेट्स भी बदल दिए जो सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अब मेका एप को अपने किसी खास लोकेशन पर भेज रहे थे। एप का सिक्योरिटी सिस्टम स्लोन को ये सब कुछ बदलने से रोक रहा था, यानी कि वो मेका एप को रीसेट नहीं कर पा रही, मतलब दोबारा पहले वाली हालत में लाने में, इसीलिए उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। स्लोन अपने साथी को उन कोऑर्डिनेट्स का बताकर लोकेशन पता करने को कहती है, यानी जहां ये मेका एप जा रहा था। उधर आर्नोट और उसकी टीम उस हथियार मार्क 9 को चुरा चुके थे और वहां से जाने लगी। साइंटिस्ट साथी स्लोन को बताती है कि कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो इंडियाना में हमारी रिसर्च लैब है। स्लोन कहती है कि अगर वो लोग एप को वहाँ बुला रही है तो इस बारे में हमें लैब वालों को बताना चाहिए, इन्हें फिलहाल ये पता नहीं होता कि आखिर ये सब किसने किया। लेकिन तभी स्लोन को प्रोग्राम में एक चीज मिल गई जिससे उसे पता चल गया कि ये सब कुछ आर्नोट और उसकी टीम ने किया है क्योंकि वो लोग भी उसी लैब में ही थे, तो ये बात साफ हो गई थी कि मेका एप को उन्होंने ही हैक किया था और उसे वो वहाँ बुलाना चाह रहे थे। ये सब कुछ स्लोन को एक कोड के जरिए पता चला जो उस दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी में इस्तेमाल किया जाता था। पूरी तरह उन्होंने मेका एप को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस बारे में जब प्रेसिडेंट को पता चला तो वो और भड़क गया, साथ ही काफी हैरान भी था। वो अपने ऑफिसर से पूछती है कि आखिर दुश्मन मुल्क के पास हमारे हथियार मेका एप को कंट्रोल गया कैसे, जिस एजेंसी ने उसे बनाया उसे इस बारे में क्यों पता नहीं चला, आखिर वो क्या कर रही थी अब तक। वो पूछता है कि अब उसे कैसे रोकना है, क्या प्लान है हमारे पास। तब जनरल कहता है कि पहले भी उसे रोकने के लिए हमने अपने सिपाहियों की 2 टीम्स को भेजा था जिसके बाद तीसरी को भी भेज
दिया ताकि वो लोग उस मशीन को बंद कर दे। ये सुनकर फीमेल ऑफिसर कहती है कि ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैका एक चलता फिरता हथियार है, उसने पहले भी दोनों टीम्स को बुरी तरह खत्म कर दिया है। प्रेसिडेंट को भी उसकी बात सही लगी, वो कहता है कि मैं इस तरह अपनी आर्मी को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए अब हमें वहाँ अब्राम एप को भेजना होगा क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये सब बंद करवाना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। स्लोन मैका एप के अंदर दो हथियारों के सिस्टम को बंद कर देती है जिससे आर्नोट और उसकी टीम काफी परेशान हो गई क्योंकि समझ रही थी कि एप के अंदर कोई मौजूद है, तो अब वो मैका एप को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो भी तोड़फोड़ करते हुए उस लैब के पास पहुंच गया था और वहां से एक न्यूक्लियर हथियार मार्क 9 को उठा लेता है। यूएस के ऑफिसर्स दो हेलीकॉप्टर्स लेकर वहां पहुंच गए ताकि अब्राहम को अपने साथ ले जा सके। यहां साइंटिस्ट और प्रोफेसर उन्हें मना करती है कि उसे इतनी जल्दी मत लेकर जाओ। प्रोफेसर भी उन्हें समझाता है कि ये फैसला ठीक नहीं क्योंकि अब्राहम को अभी ये बात पता नहीं है कि जमीन मेरा घर है क्योंकि उसे स्टडी के लिए स्पेस में भेज दिया गया था, तो अभी भी उसे यही लगता है कि स्पेस ही मेरा घर है, इसीलिए वो जमीन को बचाने के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। ये सुनकर ऑफिसर्स उन्हें मैका एप के बारे में बताने लगी और कहते हैं कि अब्राहम उससे लड़ेगा क्योंकि मैका एप के अंदर स्लोन है जिसे बाहर निकालने के लिए अब्राहम उससे लड़कर उसे खत्म कर देगा क्योंकि वो स्लोन से प्यार करता है, इसलिए वो अब अब्राहम को अपने साथ वहां से ले जाते हैं ताकि वो मैका एप से लड़ाई कर सके। पर ये काम रिस्की था, इससे स्लोन की जान को भी खतरा था, पर उन्हें पूरे शहर के लोगों की जान बचानी थी इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए मान जाते हैं। अब स्लोन को भी पता चल गया था कि मैका के पास न्यूक्लियर हथियार है, वो डर गई, उसे बंद करने में लग जाती है, पर उसके लिए ये करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो सामने अब्राहम को देखती है जिसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया था, वो उसे आवाज लगाकर बुलाने लगती है। उसे देखते ही अब्राहम भी उसकी तरफ आने लगा था, पर तभी मैका एप अपने मशीन गन से अब्राहम पर शूट करने लगता है। ऐसा होते ही स्लोन भी एप के अंदर ही फंस गई थी। मैका अब्राहम को गर्दन से पकड़ लेता है, उसे मारकर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर यह अब्राहम भी किसी से कम नहीं था, वो भी जवाबी हमला करता है, मैका एप को मुक्का देकर मारता है और ऐसे इनमें जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। पर अंदर स्लोन मैका एप की दो तारों को काटकर आपस में जोड़ देती है। ऐसा होते ही मैका एप की आंखों में लाल रंग की रोशनी जलने लगती है। स्लोन ने ये इसलिए किया था ताकि अब्राहम को मैका एप से दूर कर सके क्योंकि ये चीज उसने अब्राहम को सिखाई हुई थी, लाल रोशनी देखते ही दूर हट जाना है। इसके बाद स्लोन फीमेल ऑफिसर को कॉल करके बताती है कि एक ताकतवर न्यूक्लियर हथियार को मैका एप के साथ लगाया गया है, तो दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी शिकागो में उस हथियार के जरिए धमाका करवाना चाहती थी और क्योंकि इस वक्त मैका एप भी उनके कंट्रोल में था, इसीलिए वो शिकागो को जल्दी खाली करवाने का कहती है और अब्राहम को यहाँ से ले जाने का क्योंकि वो काफी जख्मी हो गया था। प्रेसिडेंट ये सब जानकर कहता है कि हमें मैका एप को शिकागो पहुंचने से कैसे भी करके रोकना होगा। वो स्लोन को कहता है कि अगर न्यूक्लियर हथियार वाला बॉम्ब एक्टिवेट हो गया तो तुम्हें उसके फटने से पहले किसी जगह पर फेंकना होगा, एक ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा गहरी हो ताकि उस धमाके का असर आसपास हो भी तो कम ही हो। खबरों में दिखाया गया कि किस तरह मैका एप ने एक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था और अब वो दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा था और क्योंकि स्टोन उसकी तारों को काट रही थी इसीलिए उसकी ताकतें कम होती जा रही। आर्नोट की वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि जब हम वापस जाएंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसी हमें पकड़ने के लिए पहले ही वहाँ मौजूद होगी जिससे हम समझ पाए कि ये लोग उस एजेंसी के लिए काम तो कर रहे हैं पर ये सब कुछ एजेंसी से छुप के किया जा रहा है, मतलब उन्हें इस बात का बिल्कुल नहीं पता। इसी वजह से अमेरिकन एजेंसी को भी इस बारे में पता नहीं चल रहा था कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है या सिर्फ आर्नोट और उसकी टीम का। अब आर्नोट की वाइफ कहती है कि ये मिशन पूरा करने के बाद हम अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाकर गायब हो जाएंगे, पर आर्नोट उसे समझाता है कि ये सब हमने अपने मुल्क और बेटे के लिए किया है इसलिए तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैका एप की जगह पर दोनों साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी पहुंच गए थे ताकि वो उसे रोक सके। मैका एप और अब्राहम दोनों शिकागो पहुंच गए थे और यहां आकर अब्राहम एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। स्लोन बार बार उसे यहाँ से भेजने की कोशिश करने लगती है पर नाकाम ही रहती है। मैका एप जो नीचे था उसने जब देखा कि अब्राहम बिल्डिंग के ऊपर है तो अपनी मशीन गन से एक बार फिर उस पर हमला करने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर साइंटिस्ट और प्रोफेसर मैका एप की तरफ बढ़ने लगे। स्लोन मैका एप को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो अब्राहम के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, पर एक बार फिर अब्राहम उठा लेकिन उसे काफी गुस्सा आ गया था, वो एक ट्रेन उठाकर मैका एप को दे मारता है जिससे वो भी दूर जाके गिरता है। अब्राहम अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, गुस्सा करते हुए जोर से दहाड़ने लगा, फिर वो पूरी ताकत से मैका एप को मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ऐसा होने से जाहिर है स्लोन भी अब खतरे में थी। लेन में बैठा साइंटिस्ट बताता है कि अब्राहम ने मैका एप की गलत हिस्से को डैमेज कर दिया है और अगर वो इस तरह उसकी धुलाई करता रहा तो मैका एप का सिस्टम गर्म होने लगेगा जिससे धमाका भी हो सकता है, इसीलिए हमें कैसे भी करके अब्राहम को रोकना होगा। स्लोन को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था लेकिन वो मेन तारों को सिस्टम से अलग कर देती है ताकि मैका एप बंद हो जाए और बॉम्ब पटने
ले ना पाई, लेकिन इससे उल्टा ही असर होता है। मीका एक और ताकतवर बन जाता है। एक बार फिर उठा अब्राहम पर अपनी मशीन गन से भारी हमला कर देता है, जिससे अब्राहम इतना जख्मी हो गया कि छत से नीचे गिर जाता है। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो मर गया है। जो देख सभी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो हिलने लगा तो सबको तसल्ली हुई, साथ ही वो काफी हैरान भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मैका एप के इस ताकतवर हमले से खुद को बचा नहीं पाएगा। तो प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उस एलियन डीएनए की वजह से है जो उसके खून में है, जिससे वो अपने जख्मों को दोबारा ठीक करने में कामयाब रहा था। साथ ही उसकी पावर्स और एक्टिवेट हो गई थी। एक बार फिर वो खड़ा होकर मैका एप से फिर जाता है, अपने खतरनाक हमले करने लगता है। वो बिना रुके ही उसे मारता जा रहा था, इसलिए स्लोन उसे रुकने का कहती है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो एग्जिट डोर खोलकर वहाँ से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। जबकि मैकाइप और अब्राहम जोरदार लड़ाई चल रही, अब्राहम उस पर भारी पड़ने लगा, वो मैकाइप का एक बाजू उखेड़कर अलग कर देता है, फिर उसे उठा लेता है ताकि पटक कर नीचे मारे। पर तभी स्लोन मौका देखकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है, कहने लगी चलो अब्राहम मेरे पीछे आओ गेम खेलते हैं। ये सुनकर वो मैकाइप को उठाकर उसके पीछे भागने लगता है, ये सोचकर कि शायद मैकाइप को एक खिलौना है। स्लोन उसे काफी गहरे गड्ढे के पास लाकर कहती है कि इसको इस गड्ढे में डाल दो। उसने ऐसा ही किया, वो मैकाइप को जोर से गड्ढे में फेंक देता है। ये देखकर सबकी जान में जान आती है, क्योंकि गड्ढे में गिरते ही मैकाइप लास्ट हो गया और इस तरह धमाके से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जबकि अब्राहम भी पूरी तरह से शांत हो गया था। अब आर्नोट और उसकी टीम प्लेन के जरिए जब भाग रही थी तो अब्राहम इनके प्लेन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लोग काफी डर गए। प्लेन जोरों से हिल रहा था, वो जल्दी से प्लेन से बाहर आ जाते हैं। तभी सामने से एफबीआई की एजेंट्स भी आ गए थे जो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब्राहम उनका प्लेन अपने हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अब्राहम को एक आइलैंड पर खुला छोड़ने की इजाजत मिल गई थी। वो आइलैंड अब से उसी का था जो गवर्नमेंट ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था, क्योंकि उसने मैकाइप से लड़कर लाखों लोगों की जान जो बचाई थी, और अब वो वहाँ आजादी से मजे से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। उसे जैसे वहाँ लाकर छोड़ा गया वो खुशी से वहाँ भागने लगता है। उसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।